नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। ग्रामीण चिंता ना करें, अनशन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हमारी मांग है कि पूरी इस पर टेंडर का जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो और इसमें जो मटेरियल लगा है, ईटा, गिट्टी, सीमेंट, सबका जांच हो और जांच करने के बाद इस पर कड़ी कार्रवाई हो और जनता ये घबराए नहीं। अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। मैं अभय कुमार सहनी। हम लोग मंगलवार से रामगढ़ में चार हम लोग का जो है भूख हड़ताल हम लोग किए थे, समझे। तो चारों का स्थिति अभी नाजुक है। मंगलवार को हम लोग रामगढ़ में वहाँ धरना दिए थे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने हम लोग कोविड-19 को लेकर के वहाँ से हटवा दिया गया, लेकिन हम लोग का अनशन समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग वहाँ से उन लोग का बात को मानते हुए, पुलिस प्रशासन का बात को मानते हुए, हम लोग अपने अरगड्डा छठ घाट में ही जहाँ काम निर्माण हो रहा है वहीं पे हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। उन लोग का स्थिति अभी नाजुक है, लेकिन कोई भी प्रशासन या राज्य सरकार तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ हम लोग को खबर लेने नहीं आए हैं। हम लोग का मांग इतना है सिर्फ कि ऊपर से थोड़ा नीचे कर दिया जाए, ऊपर जो बना रहा है उसको छोड़कर थोड़ा नीचे कर दिया जाए, तो इससे पानी का सटा करके, लेकिन कोई राज्य सरकार हम लोग की मांग सुनने की सुनवाई नहीं हो रही है हम लोग की बात का। अगर इन लोग को कुछ हो जाता है, अगर हम लोग को मांग नहीं सुनी गई, आज भी कोई भी अधिकारी नहीं आए यहाँ पे तो नहीं सुनेगा। अगर इन लोग को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी हमारे राज्य सरकार को होगा, राज्य सरकार का जिम्मेदारी होगी, डीसी ऑफिस का जिम्मेदारी होगी। अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे उसके बाद, अगर नहीं आए तो। आज के नाम हमारा पूनम देवी है। हाँ, हमारे गड्डा ग्रामीण सहयोग से बोल रहे हैं, सबका समिति से। क्या मामला है, आज कहाँ हैं आप? अरगड्डा छठ घाट के सामने में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ग्रामीण लोग यहाँ पे हम आए हुए हैं, देख रहे हैं कि चार दिन से यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, तो कोई प्रशासन या जिला प्रशासन नहीं आ रही है देखने के लिए। और जितना यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि लोग भी नहीं पहल कर रहे हैं, तो किसी आके के जायजा लेना चाहिए। ये बैठे हुए हमारे वेंद्रकांदी, उन लोग से जायजा लेना चाहिए और मदद करनी चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? मैं आदिवासी जन परिषद संगठन से द्वारा मांग करते हैं कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार के द्वारा इन लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। आपका क्या परिचय है? आदिवासी जन परिषद केंद्रीय उपाध्यक्ष शत्रुघ्न बेदिया। 14 तारीख से हम लोग अनशन में हैं और कोई भी सरकार का आदमी नहीं आ रहा देखने को। इस सरकार से ऐसा भी उम्मीद नहीं था हम लोगों को कि आज 14 दिन हो रहा अनशन के, और अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ डिस्चार्ज होकर और यहाँ बैठ गया हूँ। कोई भी देखने वाला नहीं इस सरकार में। डिस्चार्ज पेपर, ये डिस्चार्ज पेपर है होप हॉस्पिटल से, कल मैं एडमिट हुआ था। बताइए, इस सरकार में लोकतंत्र में ऐसा भी होता है? अपनी बात को रखने के लिए इतना जद्दोजहद करना होता है? खैर, जैसा भी है, जद्दोजहद करेंगे, अंतिम सांस तक करेंगे, करते रहेंगे। जय हिंद। आज आप लोग आंदोलन यहाँ अरगड्डा छठ घाट में बैठे हैं, कैसा, क्या फील कर रहे हैं आप लोग? आज आंदोलन का इस आमरण आंदोलन का 4th दिन है। पिछले 14 तारीख को हम लोग आंदोलन शुरू किए थे और सुभाष चौक के नज़दीक माँ दुर्गा मंडप के सामने हम लोग अनशन पर बैठे थे। 15 तारीख को प्रशासन के तरफ से हम लोगों को कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए हटाया गया था। उनकी बातों का और उनके प्रशासन का सम्मान करते हुए हम लोगों ने वहाँ से हट के, अब निर्माण हो रहा है वहाँ पे हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। आज आंदोलन का 4th दिन है। हमारे साथी एक सहयोगी अभय कुमार जी हॉस्पिटलाइज हैं, हम लोग उनकी उचित स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
और ये आंदोलन अभी लगातार चलेगा, लेकिन जिला प्रशासन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद आज तक सरकार के तरफ से ना जिला प्रशासन के तरफ से हम लोगों से कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं आए, ना हम लोग को समझाने बुझाने आए। हम लोग देखते हैं कि सरकार कब तक हम लोगों के इस तरह से परीक्षा लेती है। मैं अभी ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अपना परिचय बताएं। मैं सूरज कुमार हरगड्डा।